अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है हमारा वो है डाइटरी मैनेजमेंट इन डायबिटीज़ मेलेट्स डायबिटीज़ मेलेट्स जो ये मतलब डायटरी मैनेजमेंट इसका ये, ये भी थेरापेटिक डाइट में ही आ जाता है सबसे पहले अगर हम बात कर लेंगे कि डायबिटीज़ मेलेट्स होता क्या है डायबिटीज़ मेलेट्स जो ये एक ग्रुप है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का जो जिसमें ब्लड ग्लूकोज़ लेवल जो है वो इलेवेट होती हैं किससे हो जाती है ब्लड ग्लूकोज़ लेवल एलिवेट या तो बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन में डिफेक्ट पाया जाता है यानी कि इंसुलिन एक्शन हो जाती है बॉडी में तब जाकर डिफेक्ट होता है या तो इंसुलिन प्रोडक्शन में इंसुलिन एक्शन में उसी से ब्लड ग्लूकोज़ लेवल एलिवेट हो जाती हैं और डायबिटीज़ मेलेट्स जो है ये यही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है इंसुलिन जो है ये नेसेसरी है मेटाबॉलिज्म के लिए कार्बोहाइड्रेट के इंसुलिन की डेफिशिएंसी से हाईपर हो जाता है इसके बाद अगर हम डायबिटीज़ मेलेट्स के कैरेक्टर्स देखेंगे यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हर एक इंसान में जिसमें भी डायबिटीज़ मलेट्स होता है उसमें तीन तीन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हर एक डायबिटिक पेशेंट में होता है जिनको हम कैरेक्टराइज़ करते थ्री पीज से उसमें आ जाता है पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया पॉलीयूरिया जो है पॉलीयूरिया में एक्सेसिव यूरिन आउटपुट होता है पॉलीडिप्सिया में एक्सेसिव थर्स्ट होता है और पॉलीफेजिया में एक्सेसिव एपिटाइट होता है ये तीनों जो है चाहे पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया या पॉलीफेजिया ये तीनों हर एक डायबिटिक पेशेंट में कॉमन होते हैं इसके अलावा भी कुछ साइंस और सिम्टम्स यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में उसमें इंक्लूड होता है फैटीग ड्राउज़ीनेस टिंगलिंग सेंसेशन या नम्बनस होती है हैंड्स और फीट में या वेट लॉस हो जाता है या इचिंग या ब्लड विजन होता है इनमें इसके बाद ये तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस थे इसके बाद अगर हम डाइट्री मैनेजमेंट की बात कर लेंगे डायट्री मैनेजमेंट में ऐसे पेशेंट को जिसको डायबिटीज़ मेलेट्स होता है ऐसे पेशेंट को कितने कार्बोहाइड्रेट्स कितने कैलरीज कितने फैट्स फाइबर्स वटामिन मिनरल्स वग़ैरह देने पड़ते हैं डायटरी मैनेजमेंट के इस हिसाब से अगर देखेंगे हम कैलरीज़ जो है कैलरीज़ की रिक्वायरमेंट डिपेंड होती है वेट पर पे डायबिटिक पेशेंट के मतलब अगर जो ओवरवेट बंदा होता है उसमें कैलरी रिक्वायरमेंट ट्वेंटी किलो कैलरी पर केजी बॉडी वेट पर डे होता है जो नॉर्मल वेट पर्सन होता है उसको कैलरी रिक्वायरमेंट होती है थर्टी किलो कैलरी पर केजी बॉडी वेट पर डे ऐसे ही जो अंडर वेट पर्सन होता है उसको कैलरी रिक्वायरमेंट फोर्टी किलो कैलरी पर केजी बॉडी वेट पर डे होती है दैट मीन्स जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी कैलरीज कम देनी पड़ती है एक पर्सन को डायबिटिक पेशेंट को नॉर्मल वेट वाले को इन बिटवीन देना पड़ता है नॉर्मल वेट वाले को थर्टी किलो कैलरी ओवर वेट वाले को ट्वेंटी किलो कैलरी और अंडर वेट वाले को फोर्टी किलो कैलरी देने पड़ते हैं इसके बाद ये तो कैलोरीज की बात थी कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात कर लेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स उसमें आ जाता है ग्लूकोज सक्रोज फ्रैक्टोस लैक्टोस वग़ैरह जो हैं ये यूजुअली एडवाइज़ नहीं होते हैं क्योंकि डायबिटिक पेशेंट इनको क्विकली एब्ज़ॉर्ब करता है जिसकी वजह से इसकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो रेज एलिवेट हो सकती है क्विकली इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट है इसको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करता है उनको एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है जिससे ब्लड शुगर लेवल जो है जल्दी रेज होने के चांसेस नहीं होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स की बात थी इसके बाद अगर हम फैट्स की बात कर लेंगे फूड जो रिच होंगे सेचूरेटिड फैट्स में अदस, Um, वो इनको सॉरी um, फूड uh, जो रिच होंगे सेचुरेटिड फ़ैट्स में और कोलेस्ट्रॉल इनटेक इनको लिमिटेड वे में देना पड़ता है मतलब सेचुरेट फ़ैट्स वाले फूड मतलब सेचुरेट uh, फ़ैट्स तो बहुत सारे फूड में पाए जाते हैं अब जो फ़ूड रिच होगा सेचुरेट फ़ैट में या जिसमें कोलेस्ट्रॉल इनटेक जिस फूड में ज़्यादा पाया जाएगा वो फूड इनको नहीं देना चाहिए या लिमिटेड वे में वो फूड इनको देना चाहिए किन को डायबिटिक पेशेंट्स को ये तो फैट्स की बात थी इसके बाद अगर प्रोटीन्स की बात कर लेंगे प्रोटीन अमाउंट जो है इनको नॉर्मल देना चाहिए नॉर्मल प्रोटीन अमाउंट कितना है वन ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से तो प्रोटीन में इनको कोई चेंज नहीं लानी होती है रिकमेंडेड डाइटरी एलोवेंस के हिसाब से जितना नॉर्मल वेट वाले को एज के हिसाब से प्रोटीन देना पड़ता है उतना इनको देना पड़ता है अब प्रोटीन जो है वो नॉर्मल आ जाता है वन ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसके बाद फाइबर्स की अगर बात कर लेंगे फाइबर्स जो है डाइट इसको वो देना चाहिए जो रिच होगा फ़ाइबर में क्योंकि फ़ाइबर्स जो हैं वो डिले करते हैं पैसेज फूड का स्टोमक और इंटेस्टाइन के थ्रू जिसकी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट्स की रि है वो डिले हो जाती है इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को प्रेफर करनी चाहिए फ़ाइबर्स वाले चीज़ें फ़ाइबर्स वाले फ़ूड आइटम्स ज़्यादा देने क्योंकि इनका जो रे कार्बोहाइड्रेट्स का डीले हो जाता है फाइबर्स से इसके बाद अगर हम विटामिनस की बात कर लेंगे डाइट जो रिच होगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी वन भी आ जाता है बी टू बी थ्री बी फाइव बी सेवन बी नाइन वगैरह जो हैं जो भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं दिस वो इनको देने चाहिए क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ें जो हैं उससे डायबिटिक न्यूराइट्स इसमें डायबिटिक मिलट्स वाले पेशेंट में डेवलप नहीं हो सकता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से डायबिटिक न्यूराइट्स डेवलप नहीं हो सकता वो अवॉइड होता है जब हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के फूड आइटम्स डायबिटिक मिलेट्स वाले पेशेंट को ज़्यादा देंगे इसके बाद मिनरल्स की अगर बात कर लेंगे फूड जो है वो रिच होना चाहिए पोटैशियम में मतलब टोमेटो वगैरह इसको ज़्यादा देने चाहिए क्योंकि टमेटो वग़ैरह जो है जिन फूड्स में जो फूड्स रिच होते हैं पोटैशियम में इंसुलिन चूँकि हमारे पैनक्रियाज से हमारे पै, बॉडी के पैनक्रियाज पार्ट से निकलता है तो जो ये टमेटो वग़ैरह हैं वो रिलीज़ करते हैं इंसुलिन को पेनक्रिया से ज़्यादा जब हम टोमेटोज़ खाते हैं डायबिटिक पेशेंट जब टोमेटो खाता है उसका इंसुलिन जो है पेनक्रिया से स्क्रीट होता है ज़्यादा रिलीज़ होता है ज़्यादा इसलिए इन पेशेंट्स को पोटेशियम वाली चीज़ें जैसे कि टमाटर वग़ैरह ज़्यादा देने चाहिए इसके बाद स्वीटनिंग एजेंट्स जो है जैसे कि सकर्रा सक्रीन वगैरह जो हम लेते हैं मतलब मिठाइया वग़ैरह वो एवॉइड करनी चाहिए डायबिटीज़ मलेट्स वाले पेशेंट को क्योंकि सेकेराइड जो है वो थ्री हंड्रेड टू थ्री फिफ्टी टाइम फीडर होता है शुगर से तो मतलब जो भी शुगरी एजेंट होगा फूड आइटम्स में वो ऐसे पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें उसमें उस कार्बोहाइड्रेट लेवल ज़्यादा पाई जाती है जिससे हमारी बॉडी का एब्जॉर्बशन जो है कार्बोहाइड्रेट्स का वो क्विकली हो सकता है और उससे क्या होता है उससे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो एलिट रेज हो सकती हैं इसलिए स्वीटनिंग एजेंट्स कम यूज़ करने चाहिए इसके बाद जो डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट डायबिटीज़ मलेट्स वाले पेशेंट्स में होते हैं अगर आर के हिसाब से हम देखेंगे एनर्जी की रिक्वायरमेंट सीडेंट्री वर्क, वर्कर को थर्टीन हंड्रेड किलो कैलरी दे, देनी चाहिए मॉडरेट वर्कर को सिक्सटीन हंड्रेड किलो कैलरी हैवी वर्कर को नाइनटीन हंड्रेड किलो कैलरी देनी चाहिए तो ये एनर्जी की बात थी इसके बाद प्रोटीन सीडेंट्री वर्कर को सिक्सटी ग्राम देने चाहिए मॉडरेट वर्कर को सिक्सटी ग्राम और हेवी वर्कर को सेवेंटी ग्राम ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट जो है सीडेंट्री वर्कर को वन सेवेंटी ग्राम देना चाहिए मॉडरेट वर्कर को टू ट्वेंटी थ्री ग्राम और हेवी वर्कर को टू थर्टी ग्राम देना चाहिए इसके बाद फैट जो है सीडेंट्री वर्कर को 33 ग्राम मॉडरेट वर्कर को 39 ग्राम और हैवी वर्कर को 39 ग्राम जो है देना चाहिए फ़ैट ये रिकमेंडेड डाइटरी एलोवेंस था डायबिटीज मेलेट्स का सीडेंट्री वर्क वर्कर को कितना देना होता है मॉडरेट वर्कर को कितना देना होता है हैवी वर्कर को कितना देना होता है एनर्जी भी प्रोटीन भी कार्बोहाइड्रेट भी और फैट भी इन तीनों में अगर देखेंगे चाहे सीडेंट्री वर्कर हो मॉडरेट वर्कर हो और हैवी वर्कर हो इन तीनों में सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है आ, दिस रिकमेंडेड डाइटरी एलोवेंस का वो हैवी वर्कर के लिए है हैवी वर्कर को एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कंपैरिजन टू सीडेंट्री एंड मॉडरेट वर्कर और न, प्रोटीन भी ज़्यादा होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट भी एंड फैट भी ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेरिजन टू सीडेंट्री एंड मॉडरेट वर्कर ये था हमारा डायट्री मैनेजमेंट डायबिटीज़ मिलट्स में थैंक यू